महिला बॉक्सिंग में नया विवाद। पेरिस ओलंपिक में महिला के सामने ट्रांसजेंडर। आखिर कैसे हुआ महिला वर्सेस ट्रांसजेंडर का मैच? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। अब देश नहीं बल्कि विदेशों में भी महिला बॉक्सिंग के मैच पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में इटली की एंजेला कैरिनी और अल्जीरिया की इमान खलीफ के बीच बॉक्सिंग हो रही थी, लेकिन मैच खेलते खेलते इटली की एंजेला कैरिनी सिर्फ 40 सेकंड में मैच से बाहर हो गई और जीत हो गई अल्जीरिया की इमान खलीफ के। अब आप ये सोचेंगे जरूर कि मैच में हार और जीत होती रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजह बहुत बड़ी है। वजह यह है कि इमान खलीफ को एक साल पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि आईबीए ने जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था, और ये तब हुआ था जब हकीम दिल्ली में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल के लिए मैच खेलने आए थे। तब जेंडर टेस्ट में हकीम को फेल किया गया था। तो फिर इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ? सवाल तो ये है। इमान की जीत तो हुई, लेकिन जब लोगों को ये बात पता लगी कि महिला के सामने पुरुष खड़ा किया गया है यानी कि ट्रांसजेंडर को खड़ा किया गया है, तो लोगों के मुंह बंद नहीं हुए। एक यूजर ने बॉक्सिंग का यह वीडियो पोस्ट किया और लिखा है, किस तरह से एक महिला के सामने ट्रांसजेंडर को खड़ा किया गया, ये सरासर गलत है। आपको बता दे, हकीम ने एंजेला को एक मुक्का मारा और वो इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के सामने एक पुरुष एक महिला को मुक्का मार रहा है, ये एक यूजर ने लिखा है। बहुत शर्म की बात है। मैं एंजेला का सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस मैच में हुआ क्या वो भी आपको बताते हैं। मैच शुरू होते ही एंजेला रिंग में उतरी और इमान के पहले मुक्के से उनके हेड सेफ्टी गियर की चेन टूट गई। दूसरे मुक्के में उनकी नाक से खून बहने लगा। इसके बाद एंजेला रिंग से बाहर हो गई। पूरा मैच सिर्फ 46 सेकंड चला। आपको बता दें, एंजेला ने मैच के बाद कहा कि मैंने ऐसा मुक्का कभी नहीं खाया। आगे एंजेला ने लिखा, मैं यहां जज नहीं हूं, यह मैच सही था या गलत यह फैसला करना मेरा काम नहीं है। इस मैच के बाद आईबीए ने भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी पर सवाल उठा दिए हैं। आईबीए ने कहा है कि आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नियमों का उल्लंघन कर रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा को दरकिनार किया गया है। आईबीए के सवाल उठाने के बाद आईओसी ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमने पीबीयू यानी कि पेरिस 2024 बॉक्सिंग यूनिट के द्वारा तय नियमों की तरह ही प्लेयर्स को खेलने की अनुमति दी है। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा, सभी खिलाड़ियों ने एलिजिबिलिटी के नियम पूरे किए हैं, यहां किसी भी तरह का ट्रांसजेंडर का कोई मसला नहीं है। लीन और इमान के पासपोर्ट पर महिला लिखा हुआ है। दुनिया भर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर आपको बता दे, अजीत भारती ने भी एक ट्वीट किया है और ये लिखा है, पूरी तरह से ये गलत है, एक महिला के सामने ट्रांसजेंडर को खड़ा किया गया। आपको बता दे, जो हकीम है वो पहले पुरुष था, लेकिन उसने लिंग परिवर्तन किया। लेकिन सवाल तो ये ना कि वो पुरुष है, उसके पास ताकत तो इतनी है चाहे उसने लिंग परिवर्तन किया हो। एलन मस्क ने भी इस पर सवाल उठाया है, और आपको बता दे, एंजेला का पूरा सपोर्ट जो है वो एलन मस्क के द्वारा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिला बॉक्सिंग में एक महिला के सामने आखिर ट्रांसजेंडर क्यों खड़ा हुआ? ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। चाहे वो ट्रांसजेंडर है, लेकिन हकीम पहले पुरुष था, उसने अपना लिंग परिवर्तन किया, लेकिन उसके पास पावर तो पुरुष जैसी है, क्योंकि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हकीम का एक मुक्का कहीं ना कहीं एंजेला को उसने घायल कर दिया, उसके नाक से खून बह रहा है। तो आपको इस वीडियो से क्या लगता है, क्या ये गलत है? क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये गलत है, आलोचना लोग कर रहे हैं। यदि आप भी इसकी आलोचना करते हैं, आपके हिसाब से यदि ये सही है और गलत है, तो कॉमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।